देहरादून के उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व हॉर्टिकल्चर निदेशक हरविंदर बावेजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाने वाले पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने सीएम धामी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उसे अधिकारी को शिकायत मिलने पर तुरंत निलंबित किया और उन्होंने ये भी कहा कि बागवानी का क्षेत्र विकास का एक अहम क्षेत्र है और आने वाले समय में ये आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है, लेकिन कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण प्रदेश में कल्चर के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनकी विधानसभा के एक नर्सरी में गलत तरीके से पौधे लगाए जा रहे हैं। जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो असलियत सबके सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत कराया है, इसके बाद उसे अधिकारी को निलंबित किया गया और वह माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में आप सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे उत्तराखंड वासियों को और उत्तराखंड के तमाम बागवानों को बधाई देना चाहता हूं और आप सभी लोगों को भी, मीडिया के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने प्रॉपर साथ दिया, सहयोग दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि जिन्होंने एक बिल्कुल उनकी जो इच्छा है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सबसे पहले ये इतना बड़े अजगर को जो पकड़ा है, जिसको जो है निलंबित भी किया और उसके बाद उनकी जो है जांच भी की और जांच के साथ साथ आज जो है उनकी सीबीआई जांच के भी आदेश हो गए। मैं माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जो, क्योंकि वो पहले ही से उन्होंने कहा भाई भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार पे बिल्कुल जो है अंकुश लगाना है, तो उसके लिए कुछ ये जो भ्रष्टाचारी है जिन्होंने एक तरीके से उत्तराखंड की आर्थिकी की और जो हमारी जो हॉर्टिकल्चर जो बागवानी है उसको एक उत्तराखंड के लिए एक भविष्य में एक आर्थिक का एक प्रथम कदम होगा।